नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मुकाबला रांची में होगा। दूसरा मुकाबला बड़ा रोमांचक होगा क्योंकि दोनों ही टीमों के लिए ये मुकाबला बहुत जरूरी है। भारत जहां इस मुकाबले को जीतकर एक एक की बराबरी करना चाहेगा, तो दक्षिण अफ्रीका इस मुकाबले को जीतकर सीरीज जीतनी चाहिए। और वैसे भी दक्षिण अफ्रीका के लिहाज से ये मुकाबला बहुत जरूरी है क्योंकि 2023 के वनडे वर्ल्ड कप के लिए दक्षिण अफ्रीका को अगर क्वालिफाई करना है तो उसे वनडे मुकाबले लगातार जीतने पड़ेंगे क्योंकि अभी तक दक्षिण अफ्रीका क्वालिफाई नहीं कर पाई है। लेकिन बात करते हैं मौसम पर, क्योंकि आज के मुकाबले को लेकर मौसम क्या कहता है, क्या है रांची के मौसम विभाग के अनुमान, बारिश होगी या नहीं होगी, ये बहुत बड़ी बात मैं आप लोगों को बताऊंगा। दरअसल अगर मौसम के बारे में बताऊं तो मौसम यह है कि कल रात मतलब शनिवार के दिन लगातार वहां पर बारिश होती रही रांची में और मैदान जो है वो गीला है। आज मतलब रविवार के दिन भी जो मुकाबला होगा तो शाम के वक्त बारिश का अनुमान है, 20-25% बारिश का अनुमान है। शाम के वक्त बारिश हो सकती है और दोपहर को जब मुकाबला शुरू होगा, क्योंकि 1:30 बजे से मैच शुरू होना है, तो शाम के वक्त जब दूसरी पारी होगी उसका उस वक्त हो सकता है कि बारिश हो जाए। जो मौसम विभाग का अनुमान है वो ये है कि 20-25% बारिश का अनुमान है शाम के वक्त। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या पूरा मुकाबला खेला जाएगा या फिर बारिश होगी या नहीं होगी। दोपहर में बारिश का अनुमान नहीं है लेकिन शाम के वक्त बारिश हो सकती है रांची में, ये बहुत बड़ी खबर है। वेदर रिपोर्ट के हिसाब से अगर मैं बताऊं आपको, वैसे अगर इस मैदान के बारे में बताएं तो मैदान पर रन बनते हैं बल्लेबाजों के हिसाब से, ये मैदान बिल्कुल ठीक है, लेकिन शुरुआत में गेंदबाजों को भी यहां पर मदद मिलती है। और उम्मीद करेंगे कि क्योंकि दीपक चाहर अब बाहर हो गए हैं तो देखने वाली बात होगी कि दीपक चाहर की जगह कौन सा खिलाड़ी खेलेगा और किस खिलाड़ी को मौका मिलेगा, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि किस प्लेइंग 11 के साथ टीम इंडिया इस मुकाबले में उतरेगी, क्योंकि पहला मुकाबला टीम इंडिया हार चुकी है, दूसरा मुकाबला अगर हार गई तो दक्षिण अफ्रीका सीरीज जीत जाएगी, तो यहां पर टीम इंडिया जीत के साथ आगे जाना चाहेगी तीसरे मुकाबले में। तो देखने वाली बात होगी कि आज के मुकाबले में किस प्लेइंग 11 के साथ टीम इंडिया उतरती है। लेकिन सबसे बड़ी जो वेदर रिपोर्ट है वो ये है कि शाम के वक्त आज बारिश हो सकती है, शनिवार के दिन लगातार बारिश होती रही, मैदान पर थोड़ी नमी भी होगी, पिच पर गेंदबाजों को मदद भी मिलेगी, तो ऐसे में आज टॉस भी बहुत अहम होने वाला है इस मुकाबले में। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट बारिश को लेकर, शाम के वक्त 20-25% बारिश होने के अनुमान है। जो वेदर रिपोर्ट मैंने आपको बताई है ये मौसम विभाग के अनुसार है, पिच रिपोर्ट जो मैंने बताई वो क्रिकेट में जिस तरीके से वहां पर अभी तक क्रिकेट खेले गए उसके हिसाब से, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद प्लेइंग 11 में आपको आज कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।